हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं शुरू कर दी हैं। विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और स्कूल अध्यापकों की माने तो परीक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर बच्चे को बैठने के लिए बेंच दी गई है, एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठेगा और पीने के पानी की भी व्यवस्था है। नकल ना हो इसके लिए सेंटर के बाहर धारा 144 लगा दी गई है। सर, क्या नाम है आपका और क्या डेजिग्नेशन आपके यहाँ पर? मेरा नाम श्रीपाल है, मैं लेक्चरर हूँ और यहाँ पर कंट्रोलर हूँ, चीफ सुपरिटेंडेंट। सर, आज से बारहवीं और का एग्जाम बोर्ड का, हरियाणा बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? बच्चों के बिठाने के लिए पूरी व्यवस्था है हमारे पास, सभी कमरों में बेंच हैं, पीने का पानी है, टॉयलेट वगैरह हैं, सारा कुछ व्यवस्था हमारे पास है, पंखे हैं, लाइट जली है सारे कमरों में, एकदम पूरी तरह से व्यवस्थित है। पानी पिलाने के लिए पीएन लगा रखे हैं, किसी भी बच्चे को उठ के जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ ऐसा भी है कि जिन बच्चों को क्लास रूम या उनका रोल नंबर में कोई मिसटेलिंग या कुछ ऐसी दिक्कत आती है? ऐसी अभी हमारे सामने कोई शिकायत नहीं आई है जी। जिन बच्चों का पेपर है उनकी सीटिंग प्लान बाहर लगा दी गई है जी, और बड़े प्यार से बच्चे बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। और क्या व्यवस्था है बताया जा रहा है, धारा 144 भी लगाई गई है यहाँ पर। धारा 144 के लिए वैसे तो हमने पुलिस में कंप्लेंट की है, लेकिन हमें एक दिक्कत यही आ रही है कि पुलिस वाला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, ये सारी व्यवस्था हमें खुद ही करनी पड़ रही है। बच्चों में किस तरीके से देखा जा रहा है एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद बच्चे में उत्साह तो है कि काफ़ी दिनों के बाद में, 2 साल के बाद में एग्जाम हो रहे हैं, तो उत्साह तो है उन बच्चों में जी। और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, बच्चे कैसे एग्जाम देते हैं, कैसा पेपर आता है। क्या लगता है सर, बच्चों ने तैयारी की है इस बार? हाँ, बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, स्कूलों ने भी अच्छी तैयारी की है। पेपर 2 पार्टों में होना है जी, एक ऑब्जेक्टिव टाइप है और एक थ्योरेटिकल है, लिखने का है। आज का पहला जो एग्ज़ाम है वो किस क्लास का है और कब? आज का जो पहला पेपर है वो 12th क्लास का है, कल मैट्रिक का होगा जी। तो 2 सेंटर है हमारे पास में, दोनों में, एक में 320 है और लगभग एक में 310 के आसपास बच्चे हैं, और बड़ी व्यवस्था से, बड़ी अच्छी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल शांति है जी, कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। ठीक है।